तो फ्रेंड्स, हमने ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का ये जो मोबाइल होल्डर है बाइक के लिए, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया है। ये हमें ऑफ़र में 340 रुपये का आया है और अब हम लोग इसको अपने बाइक में इंस्टॉल करके देखेंगे। एक्चुअली ये जो मोबाइल होल्डर है, इस मोबाइल होल्डर को आप किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, क्योंकि इसमें सिंपल सी वायरिंग होती है, प्लस माइनस की वायरिंग है, और इसको बस आपको बैटरी से जोड़ना होता है और इसको हैंडल में आपको माउंट करना होता है। तो हमने पहले अपने ये साइड पैनल को उतार लिया है, हमारी होंडा साइन बाइक है, और सबसे पहले हम लोग इसको प्लस माइनस को इसमें लगा के टेस्ट करेंगे कि ये चार्जिंग जो है, इसमें एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, तो ये जो पोर्ट है ये हम चेक करेंगे कि सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको हैंडल में क्या करेंगे कि एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो दोनों वायर्स हैं इनको यहाँ पर अटैच करने के बाद में चेक कर लिया है। ये चार्जर जो इसका है, यहाँ पर जो पोर्ट है, ये जो पोर्ट है ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। और ये जो अब अटैचमेंट है, ये देखिए, ये जो इसका भाग है इसको इस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं ऊपर में, ये नीचे में, ये जो इसका भाग है ये ऐसे यहाँ पर लग जाएगा। और इसको ये हमारे, चूँकि होंडा साइन है तो यहाँ पे सही तरीके से आ रहा था, तो हमने इसको यहाँ पे लगाया है। आप चाहें तो इस वाले नट में भी, अगर आपके गाड़ी में स्पेस नहीं है इस टाइप का, तो इस वाले नट में भी इसको लगा सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नट को टाइट करना है और ये चीज़ देखना है कि ये जो है ये सही तरीके से ओपन होने का, इसको स्पेस जो है वो मिलना चाहिए। आप जहाँ पर भी एडजस्ट करेंगे ये ओपन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन जो है वो कर लिया है। यहाँ पे हमने भी ये जो ब्लैक वाला वायर है उसको लगा दिया है माइनस का, और यहाँ प्लस वाला जो रेड का वायर है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो नट है ये अच्छे तरीके से टाइट होने चाहिए। अगर ये नट जो है वो टाइट आप सही तरीके से नहीं करेंगे, तो इसके साथ इसमें प्रॉब्लम आपको ये होगी कि वायरिंग जो ये है, ये जो चार्जर का वायर है, ये तो हीट करेगा ही, इसके साथ ही जो आपका गाड़ी का पूरा स्टार्टिंग सिस्टम है वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों वायर्स जो हैं ये आपको सही तरीके से टाइट करने हैं, और इसके साथ ही इन दोनों पॉइंट्स पे आपको वैसलीन लगाना है। वैसलीन वही जो हम लोग होंठ पे लगाते हैं ठंड के दिनों में, वो वाला वैसलीन हमको, ये देखिए ये 5 रुपए की वैसलीन आती है, इसको आपको दोनों पॉइंट्स पे लगाना है। वैसलीन लगाने से ये होता है कि दोनों पॉइंट्स पे आपका कार्बन कभी नहीं पकड़ेगा। अगर आप वैसलीन नहीं लगाएंगे तो कार्बन पकड़ने का डर होता है। ये देखिए, हमने इस पर मोबाइल को भी अपने माउंट करके रखा है, और ये देखिए हमारा ब्लू कलर का जो लाइट है वो इसमें, ये देखिए आ रहा है। और अभी हम लोग इसको चार्ज में लगा के देखेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं। बाबू, इसको चार्ज में लगाओ। ये देखिए चार्जिंग आपको बता रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि हमने टैंक क्यों उतारा है। ये टैंक जो है ये उतारना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें जो वायरिंग है, ये चार्जर का ये जो वायर है, हमें ये यहाँ से लाना था, तो इस वजह से हमने टैंक को उतारा है। आप चाहे तो बिना टैंक को उतारे भी वायर जो है वो अंदर से ऐसे ही फंसा के आप ला सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस इंजन में वो वायर जो है वो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टच करेगा तो वो हीट करके जलने का डर रहता है। तो इसको आप ऊपर में अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे बांध दें किसी चीज़ से, या ऐसा मतलब कुछ एडजस्टमेंट करें कि ये जो वायर है ये इस इंजन में ना टच हो। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी होंडा साइन में इस चार्जर को इंस्टॉल कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये अच्छा भी लग रहा है। ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय चार्जर है, आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। लेकिन ये जो चार्जर है, खैर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो 400-500 के रेंज में चार्जर आ रहे हैं, ये जो मोबाइल होल्डर है, तो इसकी जो क्वालिटी है 400-500 वाले के रेंज की, वो ऐसी ही है। आप इससे बेहतर क्वालिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और वो जो सब अवेलेबल हैं 400-500 के रेंज में, उसमें ये सबसे बेस्ट अब मुझे लगा। और जो प्राइस हमने दिया है 340 रुपये का, तो उस प्राइस रेंज में ये आपके लिए एक बेस्ट डील है। तो ये देखिए, और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, बाइक की जो वायरिंग होती है, इसके साथ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि इसमें बाइक में पेट्रोल होता है। अगर थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है तो बाइक में आग लग जाएगा, और पेट्रोल जो है वो कितना ज्वलनशील होता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी मैकेनिक के पास जाके सेटअप करवा सकते हैं। अगर आपको जानकारी है, अगर आपने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं, तभी आप इस चीज़ को घर पर खुद से करें, नहीं तो मैकेनिक के पास जाकर इसको सेटअप करवाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो।